हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यह तमाम सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यह तमाम सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यह तमाम सॉन्ग रिलीज हो गया है,
इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में।
किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है।
गाने में सलमान खान वेंकेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है
जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और
पायल देव ने गाया है, इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जेसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज़ के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीज़र आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना YouTube पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है, इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जेसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज़ के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीज़र आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना YouTube पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है, इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है।
इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज़ के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीज़र आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज़ के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीज़र आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज़ शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते
दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज़ के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीज़र आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज़ के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीज़र आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा,
रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यह तमा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं, ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यह तमा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं, ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में।
किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूजर कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है।
गाने में सलमान खान वेंकेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अब ये गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े भूमि चावला राघव जुलिया सिद्धार्थ निगम जैसी गिल पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है
जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अभी गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान का यतम्मा सॉन्ग रिलीज़ हो गया है, इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी इस वीडियो में। किसका भाई किसकी जान का नया गाना यतम्मा आ गया है। रिलीज के कुछ घंटों में ही इसे यूट्यूब पर 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। बीते दिन इसका टीजर आया था। फिल्म के आने में अब कम ही दिन रहे हैं। ऐसे में इसके गाने के जरिए फैन के बीच क्रेज बढ़ गया है। गाने में सलमान खान वेंकटेश दुगनी बत्ती लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। 3 मिनट 15 सेकंड का गाने में सबसे बड़ा सरप्राइज जब मिलता है जब रामचरण की एंट्री होती है। फिल्म में वह कैमियो रोल कर रहे हैं। नया गाना यतम्मा अभी गाना यूट्यूब पर आ गया है और महज कुछ ही घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिल गए हैं इस गाने को। गाने को विशाल ददलानी और पायल देव ने गाया है। इसे पायल देव ने ही कंपोज किया है और रिलीज शबीर अहमद का है। हिंदी और तेलुगु का यह फ्यूजन नंबर इस साल का बड़ा डांस नंबर हो सकता है। पूरे गाने में फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की झलक मिलती है। इस गाने में सलमान खान वेंकटेश के साथ पूजा हेगड़े, भूमि चावला, राघव जुलिया, सिद्धार्थ निगम, जैसी गिल, पलक तिवारी और वीनाली भटनागर है। गाना तब अलग लेवल का हो जाता है जब रामचरण की एंट्री होती है। स्टेज पर सलमान और वेंकटेश डांस करते दिख रहे होते हैं, तभी रामचरण उन्हें ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलकर डांस करते हैं। उनके डांस स्टेप को देखकर नटू नटू की याद आ जाती है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र ने लिखा, रामचरण की 30 सेकंड की एंट्री है, इसने फैन के दिलों को पिघल दिया है। एक यूज़र कहते हैं, यह गाना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक अन्य ने लिखा, यह बॉलीवुड और साउथ नहीं है, इंडियन सिनेमा है।